ओके स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन। ये देखिए मैथमेटिकल इंडक्शन में हम कैसे करते हैं, होता क्या। मैं एक छोटा सा रिव्यू देता हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले। आपके पास कोई एक nth स्टेटमेंट होगी और यहाँ n हमेशा नेचुरल नंबर होगा। सबसे पहला स्टेप है वेरीफाई कि pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। आप ऊपर वाले क्वेश्चन में देख लीजिए, इस pn स्टेटमेंट को आप मान लीजिए 7^n - 3^n, n इक्वल टू 1 डालिए तो 7 - 3 = 4, विच इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट, विच इज डिविजिबल बाय 4। दूसरा स्टेप होगा, आप अज्यूम कर लीजिए कि pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। मतलब जब आप n को k डालें तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। मतलब दैट इज पी के 7^k इज डिविजिबल बाय 4। इस बात का मतलब है इज अ मल्टीपल ऑफ 4, दैट इज 4α। इस स्टेप को हम इंडक्टिव हाइपोथेसिस भी कहते हैं। वी कॉल दिस स्टेप इंडक्टिव हाइपोथेसिस। तीसरा स्टेप है, मान लेंगे इसमें वी विल प्रूव दैट पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। इस बात का मतलब क्या है, अब हम टू शो पी के प्लस 1 इज ट्रू बाय यूजिंग 1। कैसे करेंगे वो देख लीजिए। देखिए जरा, पी के प्लस 1 आ जाएगा, ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। इसको आप लिख सकते हैं के इंटू दिस 3 क्योंकि बेस सेम होते तो पावर एड हो जाती है। अब आप देखिएगा जरा, फ्रॉम 1 7^k - 3^k इज 4α, तो 7^k का वैल्यू आ जाएगा 4α + 3^k। इसको आप 2 में यूज कर लीजिए, यूजिंग इन 2। तो देयरफॉर पी के प्लस 1 आपके पास आ जाएगा 7 × 4α + 3^k - 3^k × 3। अब आप जरा इस एक्सप्रेशन को देखिए कैसे संभालते हैं। 28α 7 × 3^k × 3, 28α कॉमन आ जाएगा 3^k, तो 7 - 3 बचेगा, तो 28α ये बचेगा 4 × 3^k। इस पूरे एक्सप्रेशन में से 4 कॉमन आ जाएगा प्लस ये क्या है विच इज मल्टीपल ऑफ 4। सो देयरफॉर पी के प्लस 1 इज ट्रू।
लास्ट में ये लिखना ना भूलिएगा कि हेंस पी एन इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये हर एक क्वेश्चन में हम लोग यही स्टेप इस्तेमाल करेंगे। तीन स्टेप में हर एक मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी कई बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ nth स्टेटमेंट pn दे रखा है x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n और हमें दिखाना है कि ये x प्लस वाई से डिविजिबल है। तो पहला स्टेप n इक्वल टू 1 यानी कि p ऑफ 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ऑब्वियसली इसके पास फैक्टर है विच इज ट्रू मान लिए। दूसरा स्टेप आप ले लेंगे कि लेट पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के दैट इज 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई दैट इज x रेज टू पावर 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k के पास एक फैक्टर होगा सम अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई ले लिया। चलो सीधी बात है। तीसरा स्टेप पी के प्लस 1 को ट्रू दिखाना है, वो कितना आएगा x की पावर 2 इंटू के प्लस 1 माइनस वाई 2 इंटू के प्लस 1 एक्स की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2। अब अगर मैं क्योंकि हम जानते हैं जब बेस सेम होते तो पावर ऐड हो जाती है। अब इक्वेशन 1 का यूज करने का वक्त आ गया। फ्रॉम 1 हम कह सकते हैं कि फ्रॉम 1 एक्स रेज टू पावर 2k की जो वैल्यू आएगी वह आएगी वाई रेज टू पावर 2k प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई। आप इसको 3 मान लीजिए और लिख दीजिए यूजिंग 3 इन 2 विच इज इक्वल टू वाई रेज टू पावर 2k प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई एंड होल ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर। देखिए जरा y रेज टू पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस y रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कॉमन क्या है y रेज टू पावर 2k एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यही हमें चाहिए था। इस टर्म के हम फैक्टर बना सकते हैं ऐसे x माइनस वाई और x प्लस वाई प्लस अल्फा टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर, पूरे में से कॉमन आ जाएगा x प्लस वाई। तो आपके पास बच गया y रेज टू पावर 2k x माइनस वाई प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर सो विच इज ट्रू। सो हेंस pn इज ट्रू For all n belongs to the natural number, ये लिखना बहुत अनिवार्य है। देखिएगा जरा अब कुछ क्वेश्चन इनइक्वालिटी पे बेस्ड आते हैं। इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को हम कैसे डील करते हैं? इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चंस को डील करना बहुत ही आसान है। पहले आप इनइक्वालिटीज के कुछ नियम जान लीजिए क्या होता है। अगर a b से छोटा है लेस देन है तो कांस्टेंट ऐड या सबट्रैक्ट करने से इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, अगर किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन रिटेन रहेगा और साइन रिवर्स हो जाएगा इनइक्वालिटी का अगर के नेगेटिव है। इन फंडामेंटल्स पे हम काम करेंगे। तो देखिए जरा पीएन क्या है, 2n प्लस 7 लेस देन एन प्लस 3 का स्क्वायर। हमें हर एक नेचुरल नंबर के लिए दिखाना है। एन इक्वल टू 1 लो तो लेफ्ट हैंड साइड तो आ जाएगी आपकी 9 और राइट हैंड साइड आ जाएगी 16। तो रिलेशन मेंटेन है तो इसका मतलब पी एन ट्रू है। हेंस पी एन इज ट्रू फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर।
नेक्स्ट मान लीजिए लेट पी एन बी ट्रू फॉर एन इक्वल टू के, ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप का मतलब आ गया 2k प्लस 7 लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हमें यहां ये पता होना चाहिए हमें प्रूव क्या करना है, तो यहां लिखिए 2 शो pk प्लस 1 इज ट्रू। कैसे दिखाएंगे, n की जगह ये हमें दिखाना है दैट इज टू शो दैट शुड बी लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, इससे छोटा होना चाहिए। देखते हैं कैसे करेंगे, आराम से एक बात देख लीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 2k प्लस 9। अब मुझे ये 2k प्लस 9 वाली टर्म क्रिएट करनी है, तो मैं कहाँ से क्रिएट करूँगा, क्या करेंगे, एडिंग टू बोथ साइड्स ऑफ वन, बिकॉज अभी भी आपको नेम बताया इनइक्वालिटी का, कॉन्स्टेंट एड और सबट्रैक्ट करने पर साइन चेंज नहीं होता, तो 2k प्लस 9 लेस देन k प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ एक बात समझ लीजिए, मैं जब यहाँ इक्वल टू लिखूंगा तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन इसके इक्वल है, खोल लीजिए इसको, k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k प्लस 2, ये आ गया k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। यहां कंपैरिजन करना आना चाहिए किससे छोटा, इस एक्सप्रेशन को अगर k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 को मैं इससे छोटा दिखा दूं तो देन वी आर डन। दिखाते हैं, तो आप कंसीडर करिए, इसको खोल लीजिए, यह आएगा k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k। ठीक है, कंपैरिजन कैसे करेंगे, k स्क्वायर तो k स्क्वायर के बराबर ही है, 11 जो है 16 से छोटा है और 6k हमेशा 8k से छोटा होगा, तो अगर इन सारे कंपैरिजन्स को मैं ऐड कर दूं तो क्या आएगा, k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि हमने इसके बराबर किया था। तो इंटर्न हमारे पास क्या आ गया, ये क्वांटिटी k प्लस 4 के होल स्क्वायर से छोटी आ गई, तो देयरफॉर आप कह सकते हैं कि 2k प्लस 9 हमेशा k प्लस 4 के होल स्क्वायर से छोटा होगा। फॉर और अब लास्ट में जरूर लिखिएगा हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। तो ये सवाल भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहता है और बच्चे जनरली इसको कर नहीं पाते हैं, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। आप इसको पी एन मान लीजिए एन प्लस 1 एन प्लस 5, आप सबसे पहले वही पहला काम आप एन इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो पी ऑफ 1 आपका आ जाएगा 1 इंटू 2 इंटू आपके पास आ जाएगा 6, ऑब्वियसली 12 मल्टीपल ऑफ 3 है विच इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू 1। नंबर 2 लेट pn is true for n equal to k, इस बात का मतलब क्या है, that is k into k plus 1 k plus 5 is a multiple of 3, इस बात का मतलब हो गया कि therefore k into k plus 1 k plus 5 must be equal to some 3 alpha। एक काम और कर लीजिए, इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा k स्क्वायर प्लस 6k और प्लस 5 इक्वल टू 3 अल्फा, दैट इज k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 5k इज इक्वल टू 3 अल्फा, इसको 1 मानिए रादर देन इसको। तीसरा स्टेप टू शो pk प्लस 1 इज ट्रू, और किसकी हेल्प से, इंडक्टिव हाइपोथेसिस स्टेप हमारा हमेशा ही टू रहेगा, सेकंड स्टेप की हेल्प से करेंगे, तो pk प्लस 1 आपका आ जाएगा यहां पर k प्लस 1 और साथ में k प्लस 2 साथ में k प्लस 6। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करके देखिए क्या आता है, पहले पहले दो टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो k स्क्वायर
प्लस 3k प्लस 2 इसका मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 6 से, तो ये आ जाएगा k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 2k प्लस 12। अब देखिए जरा ध्यान से, k क्यूब और ये हमारे पास आ गया प्लस 9k स्क्वायर प्लस, एक काम करिए ये आ गया 20k, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 12। एक काम करिए, एक्सप्रेशन वन से फ्रॉम वन हम क्या करेंगे, के क्यूब की वैल्यू निकाल लीजिए कितना आ जाएगा, 3α - 6k² - 5k, इसको यहां यूज कर लीजिए यूजिंग 3α - 6k² - 5k + 9k² + 20k + 12, जो कि आ जाएगा हमारे पास 3α + 3k² + 15k + 12। अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ नेचुरल नंबर है, तो 3 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस के स्क्वायर प्लस 5k + 4। देखिए ये 3 का मल्टीपल आ रहा, हाँ आ रहा, सो हेंस पी के प्लस 1 इज ट्रू। और लास्ट में वही स्टेप जरूर लिखना है, हेंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन जो आता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, सीरीज़ का सम करना। यहाँ भी एक सीरीज़ के सम वाले क्वेश्चन को कैसे अटैक करते हैं, यहाँ पर ये कितनी टर्म्स हैं, एन टर्म्स का सम है, ये डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, यहाँ पर डॉट का मतलब है प्रोडक्ट, तो इसको पहले नाम दे दीजिए पी एन, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7 + 2n - 1 or 2n + 1 इक्वल टू दे रखा है इसके। देखिए इस बात को पहले आराम से समझिएगा, जब n इक्वल टू 1 है तो इसका मतलब एक ही टर्म का सम है, तो LHS हो जाएगी आपकी 1 × 3, 3। RHS चेक करिए कि क्या वो रिजल्ट ठीक है, n की जगह 1 डालेंगे तो 4 + 6 - 1/3 जो कि आ जाएगा 9/3। आपने देखा कि LHS RHS के बराबर है, तो हेंस PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये पहला स्टेप। तो दूसरे स्टेप में आप मान लीजिए कि लेट PN इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, मतलब दैट इज जब k टर्म्स का सम होगा, एन को के से रिप्लेस कर दीजिए, के इंटू 4k² + 6k - 1/3। ये पहला स्टेप आ गया। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू शो पी के प्लस 1 इज ट्रू, इसको जरा खोल के लिख लीजिए, दैट इज टू शो, यानी कि अब कितनी टर्म्स आ जाएंगी, के प्लस 1 टर्म्स। तो के प्लस 1 टर्म्स कैसे आएगी, ये k टर्म तो बरकरार रहेगी, इससे आगे ही टर्म आएंगी, मतलब ऐसे 1 × 3, 3 × 5 + 2k - 1, 2k + 1, इससे नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, यहां पर k की जगह k प्लस 1 डालने पर ये आ जाएगा 2k + 1 और ये आ जाएगा 2k + 3, जो कि आना चाहिए किसके बराबर, k प्लस 1 इंटू 4 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 6k + 1 - 1/3। जरा इस एक्सप्रेशन को आप अच्छे से देख लीजिएगा कि ये एक्सप्रेशन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये देखिएगा ये एक्सप्रेशन हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये जो इसका सिंप्लीफिकेशन आएगा k प्लस 1, अंदर उसको ब्रैकेट को खोलेंगे हम, ये आ जाएगा 4k² + 4 भी आएगा और प्लस 8k आएगा प्लस 6k आएगा प्लस 6 - 1 एंड होल ऑफ दिस डिवाइडेड बाय 3, जो कि बनता है हमारा k प्लस 1 4k
फोर के स्क्वायर प्लस 14 के प्लस 9 बाई 3, ये हमें सब दिखाना है। ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, अब आराम से एक्सप्रेशन जो प्रूव करना उसको देख लीजिए। एक्सप्रेशन था 1 into 3, एक्सप्रेशन था हमारा, मैं फिर दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस 3 into 5, और ये 2k-1 और 2k+1, और इससे अगली टर्म हमने लिखी थी 2k+1 और 2k+3, ये सम इसी के बराबर आना चाहिए। लेकिन लेके आते हैं, ये इतना सम तो हमारे पास स्टेप नंबर 2 से अवेलेबल है, किसके बराबर दे रखा है, तो यहाँ लिख लेंगे बाय 1, दिस विल इम्प्लाई के इंटू 4k² प्लस 6k-1 बाय 3 प्लस 2k+1 इंटू 2k+3। इसको संभालते हैं, अगर मैं इसको संभालता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 4k³ प्लस 6k² माइनस के प्लस थ्राइस ऑफ 2k+1 2k+3 एंड पूरा का पूरा एक्सप्रेशन 3 से डिवाइड होगा। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास क्या आएगा, 3 बाहर रखते हैं, 4k² आएगा, 6k आएगा, 2k आएगा, प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। ये देखिएगा हमारे पास आ गया 4k³ प्लस 6k² माइनस के प्लस 12k² प्लस 18k एंड प्लस 6k प्लस 9, जो कि आया हमारे पास 4k³, और स्क्वायर स्क्वायर ऐड होने के बाद हमारे पास आ जाएगा 18k², ये 24 से आ जाएगा 23k प्लस 9/3। अब अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन में जो प्रूव करना है, इसके पास एक फैक्टर k+1 होना चाहिए। यहाँ से हिंट मिलता है कि हमें चेक कर लेना चाहिए कि k+1 इसको एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। देखिए कैसे करेगा, आप लॉन्ग डिविजन कर लीजिए, तो यहाँ पर हम कोशेंट लेंगे 4k², तो हमारे पास आ गया यहाँ से 4k³ प्लस 4k² 14k² प्लस 23k प्लस 9, अब कितने पे जाएगा ये, प्लस 14k पे जाएगा। यहाँ से आ गया 9k+9, अब आप देखिए कितने पे जा रहा है, ये प्लस 9, तो प्लस इसका मतलब 9k+9 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा बाय डिवीजन एल्गोरिथम, ये जो एक्सप्रेशन है ये सीधा सीधा k+1 दैट इज डिवाइजर इनटू कोशेंट, रिमाइंडर तो जीरो हो गया, और यही देखिए हमें प्रूव करना था डिवाइडेड बाय 3। तो ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन होता है, लेकिन हमें ये सिस्टम से सोल्व करना होता, तो आप लिखेंगे हैंस Pn is true for all n belongs to the natural number। एक क्वेश्चन और है इस पे, जितने क्वेश्चन मैं ये सोल्व कर रहा हूँ आप लोगों के लिए बहुत सफिशियंट है कि इनको आप एक पैमाना मान के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं स्टेप्स को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। Pn ले लीजिए 2 into 7 raised to power n प्लस 3 into 5 raised to n minus 5, 24 से डिविजिबल दिखाना है, तो n इक्वल टू 1 ले लीजिए, तो p ऑफ 1 आ जाएगा 2 into 7 3 into 5 minus 5 14 प्लस 15 minus 5 दैट इज 29 minus 5 24। इसका मतलब है ट्रू, विच इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नेक्स्ट लेट Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k, इस बात का मतलब लिख दीजिए, दिस विल इम्प्लाई 2 into 7 raised to power k प्लस 3 into 5 raised to power k minus 5 इज डिविजिबल बाय 24, दैट इज 7 raised to power k प्लस 3 into 5 minus 5 इज इक्वल टू 24 alpha, लेट इट बी 1। अब हमें दिखाना क्या है, टू शो
पी एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन, दैट इज 2 इंटू 7 रेज टू पावर के प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24। लेकिन किसकी हेल्प से? 1 की हेल्प से। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 हम 2 इंटू 7 रेज टू पावर के का वैल्यू इस्तेमाल कर लेते हैं, 24 अल्फा माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के प्लस 5 यूजिंग 3 इंटू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, देखिए क्या आ जाएगा, 24 अल्फा माइनस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू पावर के इंटू 5, ऐसे इसको 15 भी लिख सकते हैं, अभी लिख देंगे नेक्स्ट स्टेप में हम इसको, 7 से मल्टीप्लाई, 7 फोर जा 28 एंड 7 टू जा 14 एंड 14 प्लस 2 दैट इज 168 अल्फा माइनस 21 इंटू 5 रेज टू पावर के प्लस 35 प्लस इसको लिख दीजिए आप 15 इंटू 5 रेज टू पावर के माइनस 5, इस एक्सप्रेशन को संभालते हैं, 168 अल्फा ठीक है, इसमें और इसमें से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, फिफ्टीन माइनस 21 इंटू 5 रेज टू पावर के प्लस 30 अल्फा और हमारे पास आ जाएगा प्लस 30 माइनस 6 इंटू 5 रेज टू पावर के, तो 168 अल्फा, यहाँ से हम 6 कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 5 रेज टू पावर के। अगर इस क्वांटिटी को मैं 4 का मल्टीपल दिखा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। देखिए इसको हम 4 का मल्टीपल कैसे दिखाएंगे, समझिए 168 अल्फा प्लस 6 इंटू 5 माइनस 5 रेज टू पावर के, आप रफली देख सकते हैं k इक्वल टू 1 के लिए तो 0 है लेकिन k इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये कितना आता है माइनस 20 क्योंकि 4 का मल्टीपल है, तो आप लिख सकते हैं इसको ऐसे भी लिख लीजिए माइनस टाइम्स ऑफ 6 इंटू, तो 168 अल्फा माइनस 6 इंटू ये सम 4 बीटा ले लीजिए क्योंकि ये 4 का मल्टीपल आएगा, तो 24 पूरे में से कॉमन आने पर आपके पास यहाँ बच जाएगा 7 अल्फा माइनस बीटा, तो हैंस यू कैन राइट हैंस पी एन इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू द नेचुरल। तो इंडक्शन के जितने क्वेश्चन आपको कराए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं।